आमा बोलो, क्या हाल है अबे? ठीक हूँ। कही, क्यों फोन किया? कुछ नहीं, बस तुमसे बात करने को मन चाहा, सोचा तुम्हें फोन ही कर लूँ। आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे इस वक्त फोन मत किया करो, लेकिन आपको तो समझाने का कोई फायदा ही नहीं। गुस्सा मत हो बेटा, मैं जानती हूँ तो काम में बहुत बिजी रहती हो, पर तुमसे मिले भी तो कितना वक्त हो गया। तुम उधर इतनी दूर मुंबई में और मैं यहाँ अमृतसर में। मेरा बहुत मन करता है तुमसे मिलने का, क्या तुम्हारा मन नहीं करता अपनी माँ से मिलने का? ठीक है ठीक है, ज्यादा लेक्चर मत दीजिए, कहिए क्या काम है बेटा। एक मिनट बाद। हेलो। हाँ अमित, कैसे हो? पहचाना? हाय सोनिया। एक मिनट सोनिया। माँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अमित, अमित। हाँ सोनिया। किससे बात कर रहे थे? किसी से नहीं, तुम बोलो क्यों फोन किया? आज मैंने ऑफिस से हाफ के लिया है, मैं चाहती हूँ कि हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं। हाँ मैं बिल्कुल पहुँच जाऊँगा। ओके बाय। घबराओ, मुझे बताओ क्या हुआ। मैंने अपने माँ के लिए फूल खरीदे पर मेरे पास पैसे नहीं है। बस इतनी सी बात, चलो मैं तुम्हें फूल दिलाता हूँ। आओ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। क्यों? वो मेरे से रुझी हुई है कि आप मेरी माँ को मनाओगे। चलो तुम्हारी माँ यहाँ रहती है? आपसे ऐसे रूठ जाती है? नहीं बेटा, वो मुझसे नहीं रूठती, मैं ही उससे रूठा हूं। मैं आ रहा हूं।